नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद तू-तू मैं शुरू हो गई है, हो हल्ला शुरू हो गया है। हर तरफ इस बात का जिक्र है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। चिट्ठी जो है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चिट्ठी की टाइमिंग पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। जब सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती थी, राजस्थान में पूरा सियासी तूफान मचा हुआ था, घमासान चल रहा था उस वक्त पे, क्या ये चिट्ठी बीजेपी के साथ मिलकर लिखी गई है, बीजेपी की सांठगांठ? उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें कपिल सिब्बल का नाम बहुत मुखर तौर पर सामने निकल कर आया, उसके अलावा भी कई नेताओं का नाम है, और खास तौर पर उन्होंने जिस टाइमिंग के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, और जिस तरह से अब प्रियंका गांधी राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाकर बात कर रही हैं, और जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा पाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर ये बात साबित हो गई कि बीजेपी से मिलकर, यानी बीजेपी की मिली भगत है इस चिट्ठी को लिखने के पीछे, जहां पर जिस चिट्ठी में नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े किए गए थे कि कांग्रेस में आखिर हो क्या रहा है, चीजें अलग अलग जगह बिखरती जा रही हैं। आपको याद होगा होली के वक्त क्या हुआ था, किस तरह से मध्य प्रदेश वाला खेल हुआ पूरा का पूरा, वहां पर सरकार पलट गई, राजस्थान में बाल बाल बचे हैं, अभी बचे भी हैं या नहीं बचे हैं इस पर भी सवाल है, और इसके अलावा आपको इतिहास अच्छे तरीके से मालूम है कि कांग्रेस की स्थिति इस वक्त पूरे देश में क्या है। विपक्ष उस तरह की राजनीति नहीं कर पा रहा है जिस तरह की राजनीति उसे करनी चाहिए, और इन सारी बातों को लेकर चिट्ठी में जिक्र था। खास तौर पर जो एक शब्द गांधी परिवार को चुभ रहा है वो है नेतृत्व पर सवाल, यानी लीडरशिप कैपेबिलिटीज पर सवाल क्यों खड़े किए गए, वो भी ऐसे समय में जब सोनिया गांधी जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं और राजस्थान में पहले से ही घमासान मचा हुआ है। इस टाइमिंग को लेकर राहुल गांधी बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि अब वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहती हैं, जिसको लेकर के फिर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कह रहे हैं दबी जुबान में, कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है अब हमें नया विकल्प चुनना चाहिए, कुछ लोग राहुल गांधी का खुलकर समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी है, जिसमें ए के एंटनी का नाम है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम है, वो ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को बने रहना चाहिए। अब सवाल तो यही है कि गांधी परिवार कब तक, गांधी परिवार के अलावा और कौन संभालेगा इस पार्टी की कमान, और क्या अगर कोई संभालेगा तो उसको उसी तरह का सम्मान, या सम्मान भी ना कहूं तो उसका उसी तरह का डर बना रहेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो कांग्रेस में गांधी परिवार के डर से कुछ कहते नहीं है, या वही कर देते हैं जो गांधी परिवार कह रहा है, और आधे से ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि शायद कोई विकल्प ही नहीं है। तो ऐसे में विकल्प तो हमें भी नहीं नजर आ रहा कि अगर सोनिया गांधी स्टेप डाउन करती है तो गांधी परिवार के अलावा और कौन आ सकता है। लोग फिर से वही कहने लगे हैं कि अगर सोनिया गांधी नहीं तो राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी तो खुद छोड़कर जा चुके हैं, तो राहुल गांधी अगर फिर वापस आएंगे तो क्या बदलाव होगा? प्रियंका गांधी न खुलकर सामने आती है, न खुलकर राजनीति करती है, न खुलकर, उन्हें ना बाहर रहना पसंद है ना अंदर आना पसंद है, ना उन्हें चुनाव लड़ना पसंद है ना उन्हें बैक सीट पर बैठना पसंद है। वो पता नहीं कौन सा रास्ता अपनाना चाहती हैं, इसके बारे में अब तक कोई स्पष्टीकरण निकलकर सामने नहीं आया। कभी आप ऐसे नहीं देखेंगे कि प्रियंका गांधी किसी मुद्दे पर खुलकर बोल रही हैं। अपने परिवार के साथ वो बेहद, अपने भाई के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, और मिलाकर चलना भी चाहिए। अपनी माँ का समर्थन भी वो करती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कई बार उनका जिक्र, उनके जिक्र में बार बार उनकी दादी का जिक्र भी होता है, जो भी बहुत लाजमी है। लेकिन स्टैंड को लेकर, कांग्रेस पार्टी की बातचीत को लेकर, हालांकि एक प्रमुख मुद्दे पर, जिस तरह से सचिन पायलट वाला ये जो पूरा का पूरा केस हुआ है, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट के बीच जो एक बार फिर से रिश्ते बनते नजर आ रहे हैं, जो दिखावा है या सच्चाई है इस पर भी अभी सवाल है। लेकिन कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने इस पर एक अहम भूमिका निभाई है। अब उस पर भी हालांकि सवाल है कि क्या प्रियंका गांधी की वजह से ऐसा हुआ, या सचिन पायलट को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो सवाल यही है कि प्रियंका गांधी ना खुलकर कभी किसी मुद्दे पर बहुत ज़्यादा बोलती हैं कि खुलकर सामने आ गई कि भाई जो हो रहा है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ही होना चाहिए था, मीडिया में ये बात कैसे लीक हो गई। सवाल तो यही है ना कि अगर नेतृत्व की क्षमता में कोई सवाल थे तो अगर वो CWC में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी बातचीत अगर उसकी होती तो मीडिया में तो वो आना ही था। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना कि अगर इस तरह का कोई सवाल किसी का है भी, कपिल सिब्बल का ऐसा कोई सवाल है, अगर गुलाम नबी आज़ाद ऐसा कुछ पूछना चाहते हैं, या और कोई नेता इस तरह का कोई सवाल पूछना चाहता है, तो CWC की मीटिंग में पूछे, मीडिया में क्यों इस बात की चर्चा हो रही है? चिट्ठी क्यों लिखी जा रही है जो कि पहले सार्वजनिक हो जाती है, उसके बाद कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंचती है? तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो सामने निकल कर आ रही है। कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं कांग्रेस में। पता नहीं कि अगर सोनिया गांधी जाएंगी तो उनकी जगह आएगा कौन, और अगर सोनिया गांधी रहेंगी तो फिर इन सारी बातों का मतलब क्या है, और लीड कौन करने जा रहा है कांग्रेस को? पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई है, खिचड़ी बनी हुई है जिसे हम कहते हैं बहुत देशी भाषा में, और समझ में अब नहीं आ रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस तू-तू मैं-मैं के बीच आगे निकलकर कौन आएगा।
फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस की तरफ से इस बार गांधी परिवार एक झटका देने वाला है सबको कि भाई कोई बाहर से निकल कर ले आए, कोई आउट ऑफ द बॉक्स फैसला निकल कर आ जाए, या फिर वही होने वाला है ढाक के तीन पार? आप जरूर बताइए कमेंट करके, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।